हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हो इचकाई किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 6 ऐसी रमजान स्पेशल रेसिपीज जिसे आप अफ्तार में ट्राई कर सकते हैं। और ये जितने भी स्नैक्स हैं सब बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, टेस्टी है। इसे बनाने में समय भी नहीं लगता है, कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल आसान तरीके से हमने बनाया है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। और जितनी भी रेसिपीज है ना, सबको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर करने का तरीका भी मैंने बताया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार से रेसिपीज जो कि कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है, इसे वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आराम से मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके इजीली, वो भी सबसे पहले फ्री में वॉच करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन मेयोनीज कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। तो क्रिस्पी चिकन मेयोनीज कबाब बनाने के लिए यहाँ पे 2 आलू मैंने लिए हैं, उबले हुए आलू है ये, बॉइल्ड पोटैटोस। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है ऊपर का छिलका निकाल कर। इसमें हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें कि 1 कप मैंने लिया है, मतलब कि 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसे चॉप कर लिया है। 1 मैंने लिया था कैप्सिकम, इसे भी चॉप कर लिया है, फाइन चॉप करना है बारीक बारीक। और 1 गाजर लिया था, इसे भी कट करके फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बॉइल्ड चिकन को शेड कर लिया था, तो 1 कप ही लिया है ये। 1 कप चिकन में ढेर सारे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर मैंने चिकन को बॉईल किया था और शेड कर लिया है इसे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, इसे भी फाइन कट कर लिया है, बारीक बारीक कट करना है। अब यहाँ पे कुछ फ्रेश हरे धनिया के पत्तों को हम ऐड कर देंगे वॉश करके, कट करके। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब, उसी के साथ काली मिर्च पाउडर इसमें जाएगी 1 टीस्पून के करीब। ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं इसमें। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे कुक करने की बारी आती है। इसे ऐसे ही नहीं पकाएंगे हम, इसे कुक करेंगे तो ही कबाब हमारे बहुत ही अच्छे यम्मी बनेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई गैस के ऊपर रख दिया था, इसमें मैंने ऐड किया है बटर। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप बटर मैंने लिया है। अब इसमें जाएगा मैदा 2 टेबल स्पून के करीब, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर आता है हमारे कबाब में। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, और कबाब जो है ना सॉफ्ट बनते हैं जब मैदा हम यूज़ करते हैं ना, तो सॉफ्ट बनेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट सॉस बना रहे हैं। तो हमें मैदे को अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें जाएगा दूध, तो यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल होगा। तो दूध को मैंने ऐड कर दिया है, देखिए 1 कप दूध है ये। इसे भी हम मिक्स करते हुए भून लेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि जो मैदा है पूरी तरीके से दूध को सोख लेगा और यहाँ पे एक सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाएगा। हमें व्हाइट सॉस, मतलब सॉस नहीं बनाना है, एक डो ही बनाना है एक तरीके का। तो देखिए इसे मिक्स कर लेंगे हम, तो क्रीमी यहाँ पे कबाब बनेगा, मतलब सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया है लो फ्लेम पर, 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब यहाँ पे जो चिकन और वेजिटेबल्स हमने मिक्स करके रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को मैदे के साथ, और कुछ देर तक पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर। जो वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ना, आप चाहे तो और भी अपने मनपसंद वेजिटेबल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स का कच्चापन खत्म होने तक ही हम इसे कुक करेंगे। और यहाँ पे एक सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बारी आती है कबाब बनाने की। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छे से, और जिन साइज के आपको कबाब बनाने हैं, छोटे बड़े, वो साइज का एक बॉल लेके इस तरीके से बॉल बनाएंगे राउंड शेप देकर, और बाउल बनाएंगे, बॉल बनाकर बाउल बनाएंगे इस तरीके से। देखिए बाउल का शेप देंगे, छोटा सा बाउल बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फिल करना है इसमें मेयोनीज को। तो 1 टीस्पून होता है छोटा वाला, उतना हम यहाँ पे मेयोनीज इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो कबाब बनेगा नहीं। फिर 1 टीस्पून के करीब, छोटा वाला जो चम्मच आता है उसे टीस्पून कहा जाता है, उतना हम ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से हम देखिए इस तरीके से कबाब का शेप दे देंगे। बड़े ध्यान से करना है इसे, नहीं तो मेयोनीज बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा ओवर आप डालोगे मेयोनीज तो सोच समझ कर थोड़ा सा ही डालना है। और आप चाहे तो थोड़ा सा और ये बैटर लेकर एडजस्ट कर सकते हैं कबाब को, अगर ज़्यादा हो गया है मेयोनीज तो। और होममेड मेयोनीज की रेसिपी भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो भी बहुत ही ईजी तरीके से बनती है, फटाफट बन जाती है, तो वो भी ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पे कबाब बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से सेम चीज़ कबाब पे आप बना सकते हैं, बीच में मेयोनीज की जगह आप चीज़ फिल कर दीजिएगा, तो क्रीमी यहाँ पे चीज़ी कबाब बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस साइज़ के मैंने बनाया है अच्छे से राउंड शेप देकर, तो कबाब हमारा बनके रेडी हो गया है। तो जितने भी कबाब है सब इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। और हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे रमज़ान स्पेशल रेसिपीज अपलोड की है, अगर नहीं वॉच किए तो ज़रूर वॉच कीजिए। जितने भी रेसिपीज़ है सब कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है,
रमजान में वक्त को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त नहीं होता है इसके लिए। और इन रेसिपीज को आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो पूरे वन मंथ के लिए, जितनी भी रेसिपीज मैंने बताई है। तो इसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी रेसिपीज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो इजीली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने से। अब यहाँ पे कबाब मैंने बना लिया है, जितने भी कबाब हैं सबको, और इसे कोटिंग करने की बारी आती है। तो अंडे में अच्छे से हम डिप कर लेंगे, अंडे में नमक डाला था थोड़ा सा और बीट कर लिया था, तो अच्छे से डिप कर लेंगे। अब ब्रेड क्रम्स में हम कोटिंग करेंगे, तो यहाँ पे होममेड ब्रेड क्रम्स भी आप बना सकते हैं, जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ कि ब्रेड को आप मिक्सर में पीस लीजिएगा तो ब्रेड क्रम्स बनके रेडी हो जाता है। ये तो मार्केट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से इसके कोटिंग करेंगे हम अंडे में डिप करने के बाद, ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्रिस्पी कबाब बन जाएंगे। अब बारी आती है इसे स्टोर किस तरीके से किया जाता है बताने की। तो कोई भी पॉलीथीन बैग आपको बीच में यूज़ करना है, एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है, बीच में पॉलीथीन बैग या बटर पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि एक दूसरे को चिपकेगा नहीं। और इसे आराम से आप वन मंथ के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, रमज़ान में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। फ्रीजर में रखना है, बाहर नहीं रखना है। और जब भी फ्राई करने की बारी आएगी तो आधा घंटा पहले इसे निकाल दीजिएगा और फिर फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्राई पैन मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, इसमें ऑयल डाला था मैंने गर्म होने के लिए। ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक कबाब हम स्पेस रखकर इसमें ऐड कर देंगे। लो फ्लेम रखना है, बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं रखना है, और ऑयल को बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, नहीं तो कबाब डालते साथ ही जल जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर से कोटिंग की है ब्रेड क्रम्स की, तो वो फटाफट जल जाता है। इसके लिए ज़्यादा भी ओवर गर्म नहीं करेंगे हम ऑयल को। तो एक साइड से जब गोल्डन कलर आएगा इसे तो हम पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे हल्का गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छे से हो गया है, और बहुत ज़्यादा आप अगर मेयोनीज भरते हो तो ये बाहर भी आ सकता है, इसके लिए थोड़ा कम ही भरना है। तो एक साइड से हो गए थे तो दूसरे साइड से भी इसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये वाला अगर जाली वाला स्पून आप लोगों के पास है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसमें से इजीली ऑयल रिलीज हो जाता है, या तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर वाले, मतलब अंदर क्रीमी ऊपर से क्रिस्पी कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसे आप ट्राई कर सकते हैं पुदीने की चटनी जो ग्रीन वाली आती है उसके साथ, टोमेटो केचप के साथ, या तो फिर मेयोनीज के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई करना इस रमज़ान अफ्तार के वक्त। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आप लोगों को मिल सके। और देखिए कितने ज़्यादा क्रीमी है ये, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से क्रीमी होते हैं, क्रिस्पी चिकन मेयोनीज कबाब। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है ब्रेड पॉकेट्स, जो कि चिकन ब्रेड पॉकेट्स है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है ये भी, तो इसे भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट हमारा है चिकन, तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसे हमें बॉईल करना होगा, तो यहाँ पे एक वेसल मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। 3 ग्लास के करीब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मतलब कि चिकन डीप हो जाए इतना पानी हमें डालना है। और यहाँ पे बोनलेस चिकन मैंने लिया है, एक फुल चिकन है ये, उसका बोनलेस है। आप चाहे तो बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं, बाद में जब बॉयल हो जाएगा तो बोन को अलग कर सकते हो आप इजीली। तो इसे बॉईल करने के लिए ना इसमें कुछ हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि फुल चिकन है ये, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। और इसे मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के करीब, नमक हिसाब से ही डालना है क्योंकि बाद में हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे उसमें नमक भी होता है। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब काली मिर्च पाउडर डाला है, और मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। इसे हमें बॉईल करना है जब तक कि ये पानी ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसे बॉईल करेंगे तो चिकन भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स चिकन बॉईल हो चुका था और ये ठंडा भी हो चुका है। अब बारी आती है इसे श्रेड करने की। तो आप चाहे तो फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, या हाथों से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथों से कर रही हूँ, देखिए फटाफट हो जाएगा। चिकन को मैंने श्रेड कर दिया है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे,
चिकन पॉकेट्स में जो फीलिंग भरी जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे एक बाउल मैंने लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने बॉईल करके रखा है, श्रेड करके रखा है। अब इसमें जाएगा मेयोनीज। मेयोनीज की रेसिपी मैंने अपलोड की हूँ लास्ट वीडियो में, अगर नहीं वॉच की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही क्रीमी और थिक मेयोनीज आप घर पर बना सकते हैं, एगलेस मेयोनीज। तो 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है, देखिए 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक जैसे कि मैंने बताया सोच समझ कर डालना है, चिकन में भी नमक है, मेयोनीज में भी नमक होता है, और थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया है। काली मिर्च पाउडर फिर से हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब। अब स्पाइसेस के लिए मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स जो होता है वो 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ पर ओरिगैनो फ्लेक्स मैंने लिया है, 1 टीस्पून डाला है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 चीज़ क्यूब्स। तो कोई भी आप चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्रीम चीज़ होता है, मोज़रेला चीज़ होता है, मैं यहाँ पे क्यूब चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक पूरा यहाँ पे क्यूब मैं इसमें डाल दूंगी, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो ना भी डालें तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी यहाँ पे पॉकेट्स बन के रेडी हो जाएंगे। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को हम। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मेरी वॉच करने मिलेंगी जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से, तो ये रेडी हो चुका है। अब बारी आती है एक स्लरी बनाने की, तो एक बाउल मैंने लिया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनानी है हमें, बाद में भी हमें काम आएगी। तो 3 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्न फ्लावर इसमें ऐड कर दिया है, और पानी हम डाल देंगे थोड़ा सा, आधा ग्लास के करीब। मिक्स कर लेके सब चीज़ों को, यहाँ पे थोड़ी पतली सी स्लरी मैंने बनाई है, देखिए बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ी नहीं बनानी है, मिक्स कर लेंगे। अब चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल होगा, ब्रेड चिकन पॉकेट्स हम बना रहे हैं ना, तो ब्रेड के स्लाइसेस हम लेंगे। कोई भी ब्रेड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने व्हाइट वाला लिया है जो रेगुलर मिलता है, कोई भी किराना शॉप में मिल जाएगा। तो इसके किनारे हमें कट करना है इस तरीके से, और यकीन मानिए खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, यम्मी होता है ना, कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, इतना ज़्यादा ये यम्मी होता है, और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, फटाफट बन भी जाता है, इजी रेसिपी है इफ्तार के लिए, तो ज़रूर ट्राई करना। तो ब्रेड की किनारी जो है ना वो वेस्ट नहीं करना है, इसे मिक्सी में आप घुमा दीजिएगा तो ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएगा, वो आगे हमें इस्तेमाल में आ जाएगा जैसे कि आप लोग देखोगे आगे। तो ये जो ब्रेड है हमने कट करके रखा है किनारे, तो इसे हम बेलन की हेल्प से इस तरीके से बेल लेंगे, देखिए रोटी को जिस तरीके से बेला जाता है उस तरीके से हम चारों किनारों को अच्छे से प्रेस करके सेम साइज के कर लेंगे, और ये जो फीलिंग हमने बना के रखी है चिकन मेयोनीज की वो इसमें सेंटर में रख देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है ओवर, नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा, ध्यान से ही भरना है। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूंगी देखिए, और यहाँ पे जो स्लरी हमने बना के रखी है ना मैदे की, या तो पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे स्लरी का मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे सेंटर में कर देंगे बराबर चिकन की जो फीलिंग है उसको, और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा देखिए, और बहुत ही फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। हल्के हाथों से इसे प्रेस करके ना हम एडजस्ट कर लेंगे, ताकि जो ये फीलिंग है ना वो एक ही जगह ना रहे, और ये जो किनारे है वो भी अच्छे से स्टिक कर लेंगे। तो देखिए इस स्टेज पर आने के बाद भी आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो, अगर आपको रखना है स्टोर करके तो, या तो आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है, अभी ये डन नहीं हुआ है। अब बारी आती है इसे कोटिंग करने की, तो यहाँ पे जो हमने मैदे की स्लरी बना के रखी है ना उसमें हम ये पॉकेट सबसे पहले डिप कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, और फिर ब्रेड क्रम्स में हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई किया जाता है ब्रेड को, जैसे कि ब्रेड को फिलिंग भर के फोल्ड कर देंगे और ऐसे फ्राई कर लेंगे, तो ये बहुत ही गलत तरीका है फ्राई करने का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑयल ये सोख लेता है, तो ऑयली पॉकेट्स बनते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये वाली मेथड ज़रूर आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए अच्छे से हमें कोटिंग करना है, और इस स्टेज पर आने के बाद आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो, और स्टोर करने का तरीका ये होता है कि कोई भी एयर टाइट कंटेनर आपको लेना है उसमें ये पॉकेट्स को रखना है, उसके बीच में पॉलीथीन बैग या बटर पेपर का यूज़ करना है ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना,
और जब भी आपको फ्राई करना है तो आप फ्रीजर से निकाल लीजिएगा, फ्रीजर में रखना है उसे, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है। आराम से 15 से 20 दिन तक ये रह सकते हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। जैसे ऑयल गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे और इसे आराम से पेशेंस रखकर हम फ्राई कर लेंगे, तो एक साइड से हो जाएगा, हल्का गोल्डन कलर आएगा, तो इसे पलट देंगे, फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं। और लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई करते हो तो क्रिस्पी बनेंगे ये, नहीं तो हाई फ्लेम पर अगर आप करोगे तो तेल में जाते साथ ये जल जाएंगे। एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसे पलटना है, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ये रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, यहाँ पे चिकन मेयोनीज पॉकेट्स बनकर रेडी हो गए, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इस रमज़ान आप ज़रूर ट्राई करना। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है चिकन समोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, और इसे स्टोर करने का तरीका भी मैंने बताया है, फोल्डिंग का तरीका भी बताया है, किस तरीके से समोसे को परफेक्ट फोल्ड किया जाता है वो भी इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गैस के ऊपर मैंने एक वेसल रख दिया है, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। चिकन को हमें सबसे पहले बॉईल करना होगा, तो चिकन डीप हो जाए इतना पानी हमें ऐड करना है इस वेसल के अंदर। एक फुल मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप चाहे तो बोन वाला भी चिकन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है बाद में बोन को अलग कर लीजिएगा जब श्रेड करेंगे हम, तब चिकन बॉईल होने के बाद। तो देखिए मैंने चिकन को पानी के अंदर ऐड कर लिया है, और बॉईल करने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। उसी के साथ हम नमक ऐड कर देंगे, तो 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि बाद में भी हमें नमक का इस्तेमाल करना है, इसके लिए 1 टीस्पून काफ़ी है। उसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही डाला है। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इतने ही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी है। अब इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, जब तक इसका पानी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाना है, कुक करना है। तो यहाँ पर चिकन जो है ना वो बॉईल हो चुका है, पानी पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये ठंडा भी हो चुका है। तो इसे मैं श्रेड कर लूँगी इस तरीके से। और अगर आप बोन वाला इस्तेमाल कर रहे हो चिकन, तो इस स्टेज पर आने के बाद बोन को अलग करना है चिकन से, और फिर इसे श्रेड करना है। आप चाहे तो इसे श्रेड करने के लिए ना फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे से श्रेड हो जाता है। अब ये डन हो चुका है, अब बारी आती है हमारे समोसे की फिलिंग बनाने की, तो चलिए बनाते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब समोसे की फिलिंग बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक वेसल गैस के ऊपर रख दिया है, इसमें मैंने आधा कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें कि फिर से मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लिया है। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक हम इसे पकाएंगे मिक्स करते हुए। अब स्पाइसेस के लिए मैं यहाँ पर लिया है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है, तो अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो और 1 टीस्पून भर के ऐड कर सकते हो आप। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और पकाएंगे। फ्लेम को इस वक्त मैंने लो रखा है। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, जिसमें कि मैंने 1 कप लिया है कैरेट, इसे मैंने चॉपर से चॉप किया है, देखिए इस तरीके से स्क्वायर में हमें कट करना है। उसी के साथ यहाँ पे 1 कप ही मैंने लिया है चॉप किया हुआ कैप्सिकम, वो भी इसमें जाएगा। आप अपने मर्जी के कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने, और सेम क्वान्टिटी में मतलब कि 1 कप ही मैंने लिया है फिर से कैबेज। तो मिक्स कर लेके सब वेजिटेबल्स को हम मसालों के साथ पकाएंगे। और यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, इसमें ये जो वेजिटेबल्स है ना क्रंची रहना चाहिए, इस तरीके से हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, जो हमने बॉईल करके श्रेड करके रखा है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे सब वेजिटेबल्स के साथ हम। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, क्योंकि हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो सोच समझ कर ही डालना है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है डार्क सोया सॉस, अगर आपके पास नॉर्मल वाला सोया सॉस है, डार्क वाला नहीं है, तो आप 2 टीस्पून भर के ऐड कर दीजिएगा। मिक्स कर लेंगे हम सब चीज़ों को फिर से एक बार, और फ्लेम को इस वक्त मैं बंद कर दूंगी। अगर आपको अभी समोसा नहीं बनाना है तो आप इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। और अभी ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम समोसे की फिलिंग करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। तो देखिए ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब, थोड़ा सा पानी मिलाकर, मतलब कि 3 टेबलस्पून पानी मिलाएंगे और एक स्लरी बनाएंगे हम। तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है, यह हमें काम आएगी समोसे को स्टिक करने के लिए। तो मिक्स कर लेंगे सब, देखिए यहाँ पे पतली सी, मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं है, थोड़ी गाढ़ी है,
स्लरी बनके रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने लिया है समोसा शीट्स। अब मैं बताऊंगी समोसे को किस तरीके से फोल्ड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है फोल्डिंग करने का तरीका। जो मार्केट वाले जो शीट्स होते हैं ये वाले, उसे किस तरीके से फोल्ड किया जाता है वो बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, बड़े ध्यान से। तो हो सके तो आप लोगों को ना ये जो शीट्स है ना वो फ्रेश ही लेना है, क्योंकि बहुत दिनों के रखे हुए भी मिलते हैं मार्केट में, तो वो मतलब टूट जाते हैं समोसे। इसके लिए बड़े ध्यान से आपको लेना है जब आप लोगे तो, ये खरीदोगे तो। तो अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे नीचे की ओर हम फोल्ड कर देंगे बड़े ध्यान से। दूसरे हाथों का भी इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ऊपर वाला जो पॉइंट बना है उस पर इस तरीके से फिंगर रखेंगे और फिर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसमें होल नीचे की साइड में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऑयल पूरा खराब हो जाएगा। होल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कोन बनके रेडी हो गया है, देखिए। अब जो चिकन की फिलिंग्स हमने बनाकर रखी है ना, वो इसमें हम इस तरीके से फिल कर देंगे स्पून की हेल्प से। 1 टेबलस्पून भर के मैंने फिल कर दिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, नहीं तो समोसा फट भी सकता है। तो फिर से इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को किस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। जो स्लरी हमने मैदे की बनाकर रखी है वो इस तरीके से हम ब्रश की हेल्प से लगा देंगे इसके ऊपर, और फिर इसे हम फिर से एक बार फोल्ड करके स्टिक कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा ये। तो इसके लिए जब भी आप मार्केट से समोसा शीट्स खरीदते हो तो बड़े ही ध्यान से आपको लेना है, देख कर लेना है कि वो ड्राई ना हो, फ्रेश वाली ही आपको लेना है, तो ही यहाँ पे परफेक्ट समोसा बनके रेडी हो जाएगा, नहीं तो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी समोसा है सबको मैंने बना लिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे। अब इसे स्टोर करने का तरीका मैं बताती हूँ। इस स्टेज पर आने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हो आराम से 1 मंथ के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ऊपर फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नीचे नहीं रखना है, और इसे एक के ऊपर एक भी नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। समोसा जो है वो टूट भी सकता है और चिपक भी सकता है एक दूसरे को, इसके लिए बीच में स्पेस रखकर फिर रखना है। और यहाँ पे देखिए ऑयल पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में इसे नहीं डालना है, नहीं तो समोसा जाते साथ ही जल जाएगा, क्योंकि ये मार्केट वाले शीट है, बहुत ही पतले होते हैं ये, तो फटाफट जल जाता है। तो इसके लिए लो फ्लेम पर आराम से पेशेंस रखकर हम इसे फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है, गोल्डन कलर आने तक हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक साइड से जब हो जाएगा तो इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हमें फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। और इसे फ्राई होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटाफट ये हो भी जाता है। और होममेड शीट से भी किस तरीके से समोसा बनाया जाता है वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो इसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम रमज़ान स्पेशल रेसिपीज अपलोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाई जाती है कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए गोल्डन कलर आ चुका है दोनों साइड से, मैंने समोसों को फ्राई कर लिया है। इसे हम निकाल लेंगे, इसे आप इंजॉय कर सकते हैं कोई भी ग्रीन चटनी के साथ। इसे तोड़कर भी बताऊंगी अंदर कितने ज़्यादा ये ऊपर से खस्ता है, क्रिस्पी है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी समोसा बनकर रेडी हो जाता है, तो आप लोग भी इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना वीडियो अगर पसंद। अब हम बनाएंगे थ्रेड चिकन, क्रिस्पी थ्रेड चिकन हम बनाएंगे, जो कि स्ट्रीट स्टाइल में हम बनाएंगे। रमज़ान का जो मार्केट लगता है ना, अफ्तार का मार्केट, उसमें ही आप लोगों को देखने मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। तो चलिए इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन का मसाला रेडी करेंगे, क्योंकि इसे हमें मैरिनेट करना होगा। एक बाउल में मैंने एक अंडा तोड़कर ऐड कर दिया है, उसी के साथ कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें कि मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब, ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है, थोड़ा कम ही डालना है नमक। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून के करीब। अब यहाँ पे मैंने डार्क वाला सोया सॉस लिया है, अगर आपके पास डार्क वाला नहीं है तो नॉर्मल जो रेगुलर वाला होता है वो 2 टीस्पून भर के डालना है। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के। और यहाँ पे सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे मैरिनेशन का जो मसाला है वो बनके रेडी हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल देंगे 2 टीस्पून भर के। तो देखिए मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट से बन भी जाता है सब। अब यहाँ पर हमारा मैरिनेशन का मसाला रेडी हो चुका है। बोनलेस चिकन मैंने लिया था, इसके इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करना है और मसाले में हम डाल देंगे जितने भी स्ट्रिप्स है। तो सब चीज़ों को मतलब कि मसालों को चिकन के साथ हम मिक्स कर लेंगे, और इसे आप चाहे तो ओवरनाइट रख सकते हो मैरिनेट करके, या तो 2 से 3 घंटा काफ़ी है, या अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो ऐसे भी आप इसे फ्राई कर सकते हो। लेकिन मैरिनेट करके अगर रखते हो तो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चिकन सॉफ्ट बनता है। तो इसे मैं 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी।
अब क्योंकि हम थ्रेड चिकन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें थ्रेड रेडी करना होगा। तो यहाँ पे समोसा शीट जो मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, वो मैंने लिया है, और इसे सबसे पहले हम अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे अलग अलग कर लिया है क्योंकि एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं। अब फिर से मैंने एक के ऊपर एक इसे रख कर हमें नाइफ की हेल्प से इसे कट करना होगा, इसके थ्रेड हमें निकालना होगा। देखिए तो जितना बारीक हो सके उतना आपको बारीक कट करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो थ्रेड है वो बन के रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं जब आप इसे फ्राई करोगे तो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। अब बारी आती है चिकन को कोटिंग करने की। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, 3 घंटा मैंने उसे छोड़ दिया था इसे ही मैरिनेट करके। और एक एक स्ट्रिप्स हम लेंगे, इस तरीके से रख देंगे, और अच्छे से इसे हाथों से प्रेस करके हम इसे स्टिक करेंगे। देखिए तो इसे अलट पलट करके हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे, देखिए, ताकि ये निकले ना, जो थ्रेड हमने बनाया है वो निकले ना, इसके ऊपर स्टिक करना है। तो यहाँ पे लच्छेदार बन के रेडी हो जाता है हमारा थ्रेड चिकन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो इसे मैं साइड में रख दूंगी, और जितने भी स्ट्रिप्स है सब इसी तरीके से हमें करना है कोटिंग। और आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, स्टेज पर आने के बाद आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो 1 मंथ के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रीजर में रखना है, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है, और एक के ऊपर एक नहीं रखना है, बीच में पॉलीथीन का बैग या बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, और कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आपको भर के रख देना है। और जब भी फ्राई करना है तो आधा घंटा पहले निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल को, नहीं तो ये जाते साथ ही जल जाएगा, क्योंकि समोसा शीट्स का इस्तेमाल हमने किया है और फटाफट से वो जल जाता है। तो इसके लिए हल्का गर्म हो जाएगा जब ऑयल, तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे आराम से पेशेंस रखकर फ्राई कर लेंगे, तो हल्का गोल्डन कलर आएगा। तो हम इसे पलट देंगे, देखिए इसे। तो एक साइड से हो गया था, इसे मैंने पलट दिया है, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हल्का गोल्डन कलर आने तक ही हमें फ्राई करना है। और चिकन अंदर तक पक भी जाता है अगर लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करते हो तो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और चिकन भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो एक स्पून पर हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे, जाली वाला स्पून है तो बहुत ही अच्छी बात है, या टिश्यू पेपर पे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े का क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनके रेडी हो गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं तोड़कर बताती हूँ। तो आप लोग भी इस रमज़ान में इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। अब हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप, क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप, या तो चिकन ड्रम स्टिक्स या चिकन पॉप्सिकल्स, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आता तो फिर से एक बार कहती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे इसे बनाने के लिए ना मैंने 2 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू है ये। इसका ऊपर का कवर निकाल करना मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, या स्मैश कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉपर से चॉप कर लिया है। एक कैप्सिकम मतलब कि शिमला मिर्च लिया, इसे भी चॉप ही किया है, चॉपर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है जितने भी वेजीज है सबको चॉप करने के लिए। अब यहाँ पे गाजर लिया है, इसे भी मैंने फाइन चॉप किया है। और यहाँ पे देखिए चिकन लिया है, बॉयल्ड चिकन है ये, इसमें जो बोनलेस चिकन है ना उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डालकर बॉयल किया था और उसे श्रेड कर लिया है, तो 1 कप ही लिया है। देखिए अभी यहाँ पे स्पाइसेस के लिए 2 हरी मिर्च जिसे मैंने फाइन कट कर लिया है, बारीक बारीक कट करना है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। कुछ फ्रेश हरे धनिया के पत्तों को कट करके वॉश करके ऐड कर देंगे हम। 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है, चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है तो ध्यान से नमक डालना है सोच समझ कर। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाला है, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं। सब चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या करना है, क्योंकि इसे हमें कुक भी करना है। जी हाँ, इसे कुक करेंगे हम, ऐसे ही नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही स्टिक में नहीं लगेगा जब हम पॉप्सिकल्स बनाएंगे तो वो नहीं लगता है, मतलब इसमें बाइंडिंग ही नहीं होती है,
तो इसके लिए कुक करना ज़रूरी है। तो मेरे स्टैंड में आप बनाइए, आई होप बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आप लोगों को और परफेक्ट यहाँ पे पॉप्सिकल्स बनके रेडी हो जाएंगे। एक कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, नॉनस्टिक है ये, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड किया है, फ्लेम को लो कर देंगे। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इस्तेमाल किया है मैदा, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, यही हमारे पॉप्सिकल्स को बाइंडिंग देगा। तो इसे भून लेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार स्पून से चलाते हुए, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे। अच्छे से इसे भूनना है 1 से 2 मिनट तक, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है, तो ही यहाँ पे परफेक्ट पॉप्सिकल्स बनके रेडी हो जाएंगे। अब देखिए बहुत ही अच्छे से भून चुका है, इस स्टेज पर आने के बाद यहाँ पे दूध का इस्तेमाल होगा। 1 कप मैंने दूध लिया है वो इसमें जाएगा, और टेंशन मत लीजिए ज़्यादा नहीं होगा ये दूध, क्योंकि मैदा जो है पूरी तरीके से दूध को सोख लेगा देखिए आगे। और जैसे जैसे ये पकेगा ना, कुक होगा लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, तो वैसा वैसा इकट्ठा होगा और यहाँ पे सॉफ्ट डो बनके रेडी हो जाएगा मैदे का, देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर। तो इसी तरीके का आप लोगों को भी करना है, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट देता है और बाइंडिंग भी देगा हमारे पॉप्सिकल्स को, जैसे कि ड्रमस्टिक्स आप कुछ भी कह सकते हैं। अब स्टेज पर आने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है चिकन और वेजिटेबल जो हमने मिक्स करके रखा है वो, और मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ इसे भी बहुत ही अच्छे से। और ये जैसे जैसे पकेगा तो ये फिर से इकट्ठा होता जाएगा, लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार स्पून से चलाते हुए अच्छे से पकाना है, कुक करना है 1 से 2 मिनट तक। और अभी तक वीडियो को आप लोग देख रहे हो, यहाँ तक आ गए हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आगे भी इसी तरीके से मिलेगी। तो देखिए ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था 2 मिनट पकाकर, तो ठंडा हो चुका है, एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। और इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, एक छोटा सा बॉल इसका बना लेंगे हम डो का हमारे, आइसक्रीम स्टिक्स में इस तरीके से हम लगाएंगे इसे और शेप देंगे ड्रम स्टिक का। बहुत ही इजी तरीके से ये लग भी जाता है, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं हाथों को, अच्छे से शेप दे देना है। तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक तो कोई भी शॉप पे आप लोगों को मिल जाएगी इजीली, और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है। देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने बना लिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करना है ये चिकन का डो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, खाने में कच्चे लगेंगे अंदर इसके लिए। वैसे तो ये पका हुआ ही है पूरी तरीके से, कच्चा नहीं लगेगा, लेकिन छोटे छोटे बनाना है, बहुत ज़्यादा भी बड़े बड़े बॉल्स नहीं बनाना है। देखिए इसी साइज़ के आप भी बनाइए, इस तरीके से हम बीच में सेंटर में आइसक्रीम स्टिक को रखेंगे और इसे अच्छे से ड्रम स्टिक का शेप दे देंगे हम, देखिए। और यहाँ पे डन नहीं हुआ है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी और क्या करना है। इसी तरीके से जितने भी पॉप्सिकल्स हैं मैं बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पॉप्सिकल्स बना लिए हैं 1 कप चिकन में, ढेर सारे यहाँ पे बनके रेडी हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो मैं इतने ही बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे बन चुके थे यहाँ पे और मैंने स्टोर भी करके रखा है। तो स्टोर करने का तरीका भी आगे मैं बताऊंगी, अभी इस स्टेज पर आने के बाद स्टोर नहीं करना है। यहाँ पे 1 अंडा मैंने लिया था, सॉरी 2 अंडे लिए थे, इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मैंने बीट कर लिया है। और एक एक हम पॉप्सिकल लेंगे और इसे अच्छे से डीप करेंगे, या तो स्पून की हेल्प से आप कर सकते हो इस तरीके से, देखिए तो अच्छे से यहाँ पे कोटिंग होगी अंडे की, तो स्पून की हेल्प से ही करना है आप लोगों को भी, देखिए। और यहाँ पे ये डन हो चुका है, अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे हम, इसमें भी अच्छे से कोटिंग करना है। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी तो बता ही चुकी हूँ मैं आप लोगों को, बहुत इजी है। ब्रेड या पाव जो होता है बचा हुआ, तो उसे मिक्सी में घुमा दीजिएगा एक बार, तो होममेड ब्रेड क्रम्स बनके रेडी हो जाता है। ये मार्केट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, मार्केट वाले भी आप लोगों को कोई भी किराना शॉप में या बेकरी में मिल जाता है इजीली। तो रमज़ान में तो मुझे वही इजी पड़ता है कि मिक्सी में घुमा दीजिएगा आप ब्रेड को, क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस भी बहुत सारे घर में रहते हैं ना, तो इस तरीके से बचे हुए रहते हैं, तो मैं घुमा देती हूँ तो ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाता है। देखिए मैंने इस तरीके से कोटिंग कर लिया है, और जितने भी पॉप्सिकल्स हैं हमारे ड्रम स्टिक्स हैं उसे इसी तरीके से हम कोटिंग करेंगे, अंडे में डीप करेंगे बहुत ही अच्छे से, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे और अच्छे से करना है, तो ही क्रिस्पी बनेंगे। देखिए इस तरीके से करना है, तो मैं जितने भी पॉप्सिकल्स है इसी तरीके से करूँगी। और इस स्टेज पर आने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। रमज़ान में स्पेशली इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पहले इसे बनाकर आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे स्टोर करोगे ना, तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रखना है या पॉलीथीन बैग में रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, बीच में स्पेस रखकर कोई भी बटर पेपर या पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना है और फिर ही रखना है।
तो इस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। फ्रिज में रखना है, मतलब कि फ्रीजर में रखना है, जहाँ पे आइस हम जमाते हैं ना, वहाँ पर रखना है फ्रीजर में। और जब भी आपको फ्राई करना होगा तो आधा घंटा पहले इसे निकाल लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पर जैसे आएंगे तो इसे फ्राई कर लीजिएगा, तो परफेक्ट यहाँ पे अफ्तार के वक्त आप इसे फ्राई कर सकते हो। अब तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से कढ़ाई में, फ्लेम को लो कर दिया स्टेज पर आने के बाद, तेल जैसे गर्म होता है तो। और एक एक पॉप्सिकल्स हम इसमें ऐड कर देंगे स्पेस रखकर। तेल को बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये डालते साथ ही जल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से पलट पलट करके फ्राई करना है। देखिए तो ये सब जितने मतलब सब साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। हल्का गोल्डन कलर आने तक ही हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है इसे, और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसे फ्राई होने के लिए। और अंदर तो ये पका हुआ ही है, जैसे कि हमने पका कर ही डाला है इसके लिए यहाँ पे, इसे पका कर मतलब कि कुक किया है ना हमने, अंदर का जितना भी बैटर है तो अंदर कच्चा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए ये वाला जो स्पून है आपके पास है तो आप इस्तेमाल कीजिए, तो इसमें से ऑयल ईजिली रिलीज़ हो जाता है। अब जितने भी पॉप्सिकल से फ्राई हो चुके थे तो मैंने निकाल दिया, और आप देख सकते हैं दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्रिस्पी भी है ये, यकीन मानिए ऊपर से। तो इसे मैं निकाल लूँगी, और इसे आप ट्राई कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, और ग्रीन वाली जो चटनी आती है पुदीने की उसके साथ, या मेयोनीज के साथ, हर किसी के साथ ये मैच हो जाएगा परफेक्ट, और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है मेयोनीज के साथ। अब हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में चिकन रशियन कटलेट या रशियन कबाब, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, और ये भी आप लोगों को अफ्तार मार्केट जो लगता है ना उसमें देखने मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक वेसल मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 3-4 टेबल स्पून के करीब। ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब जीरा, जीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, तो एक मीडियम साइज की प्याज को ना फाइन मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है और वो इसमें डाला है। प्याज को हल्का सा हम सॉटे करेंगे, मतलब कि इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए इतना हम इसे कुक करेंगे। तो प्याज जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, इस स्टेज पर आने के बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। इसे भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए हम पकाएंगे, इसका भी कच्चापन हमें खत्म करना है, इतना हम इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पर ना कुछ वेजिटेबल्स हम इसमें डालेंगे, तो मैंने एक कप लिया है कैरेट, इसे मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है, और उसी के साथ सेम क्वांटिटी में ही मैंने लिया है कैप्सिकम, इसे भी चॉप कर लिया है फाइन, और कैबेज लिया है, सेम क्वांटिटी में ही वेजिटेबल्स लिया है मैंने। तो आप चाहे तो यहाँ पे और वेजिटेबल्स भी अपने मर्जी के, मतलब आपको जो पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन वेजिटेबल्स इसमें डाला जाता है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हम बना रहे हैं ये कटलेट, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और देखिए यहाँ पर ना मैंने चिकन लिया है, श्रेडेड चिकन है ये बॉईल किया हुआ। तो चिकन को बॉईल करने के लिए ना मैंने चिकन में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर बॉईल कर लिया था बोनलेस चिकन में, और उसे पानी ड्राई कर लिया था पूरी तरीके से, और फिर श्रेड कर लिया है, तो इस तरीके का ये हो गया। तो एक कप मैंने ऐड कर दिया है। अब इस स्टेज पर आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, और नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। चाट मसाला भी उसमें भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही नमक डालना है, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब ये जो वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ना, ये हल्के क्रंची होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे, इसके लिए हाई फ्लेम पर फटाफट से हम इसे पकाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया है 2 बॉइल आलू, इसे मैंने मैश कर लिया है, वो इसमें जाएगा, या तो आप खिसनी के हेल्प से खीस भी सकते हैं, इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे हम, और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को बता रही हुई है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिक्स कर लिया मैंने आलू को भी। अब यहाँ पर देखिए एक फ्राई पैन मैंने रख दिया है, और यहाँ पे क्रीम हम बनाएंगे, मतलब कि व्हाइट सॉस जैसा होता है ना उस तरीके का ही क्रीम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बटर लिया है एक कप, मतलब कि 1 टेबल स्पून के करीब होगा ये बटर, छोटा वाला जो क्यूब आता है ना वो ऐड करना है। और इसमें अब जाएगा मैदा, तो 2 टेबल स्पून के करीब मैदा मैंने लिया है, मिक्स कर लेंगे बटर के साथ मैदे को, लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन ये कुक होना चाहिए, इतना हम लो फ्लेम पर पेशेंस रखकर इसे पकाएंगे। तो जिस जैसे पकेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, इसका एक डो रेडी हो जाएगा, जैसे कि आप लोग आगे देखोगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम पकाएंगे बहुत ही अच्छे से।
तो ये कुक हो गया है। अब इसमें जाएगा दूध, तो एक कप के करीब मिल्क मैंने लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। तो दूध जैसे इसमें ऐड करेंगे ना वैसे वैसे इसका डो बनता जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर हो जाएगा ये। तो लो फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए, फ्राई पैन को ये छोड़ ना दे तब तक हम इसे कुक करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। इस स्टेज पर आने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से वो वैसे लिया है जिसमें हमने चिकन वगैरह सब मिक्स कर लिया है, तो उसमें हम ये ऐड कर देंगे जो मैदे का हमने डो बनाया है और मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को एक साथ। रमज़ान मार्केट में जिस तरीके से कबाब मिलते हैं और जिस तरीके से बनाए जाते हैं ना रशियन कबाब, वही सेम रेसिपी मैं बता रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कबाब बनाने की बारी आती है, तो यहाँ पे हाथों को ग्रीस करना है ऑयल से और छोटे छोटे यहाँ पे हम इस तरीके से बॉल बनाएंगे। और जैसे कि रशियन कबाब जो है ओवल शेप के होते हैं, तो वही शेप मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं। तो देखिए इस साइज़ के मैंने बना लिए हैं, सेम इसी साइज़ के जितने भी कबाब हैं सब मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही क्रीमी सा स्मूथ यहाँ पे ये मिक्सचर बनके रेडी हो गया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है हमने इसमें मैदा डाला है और बटर दूध वगैरह डाला है, तो इससे बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो मुँह में घुल जाने वाले कबाब यहाँ पे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए ये कबाब मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे बारी आती है सेवैयाँ लेने की, तो यहाँ पे रोस्टेड सेवई मुझे मिली थी मार्केट में, आप चाहे तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं, तो रोस्टेड अगर ना ही लो तो अच्छा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल जाती है, पहले से ही वो भुनी हुई होती है इसके लिए। तो देखिए मैं ना सबसे पहले पैकेट में ही इसे तोड़ दूंगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे दो अंडे मैंने बीट कर लिए थे नमक डालकर, एक एक कबाब लेंगे अंडे में डीप करेंगे और जो सेवैयाँ है उसमें अच्छे से कोटिंग करेंगे हम, बहुत ही अच्छे से कोटिंग करना है। देखिए अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक ये होती है कि अंडा अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो जो कॉर्नफ्लावर होता है वो लेना है 2 टेबलस्पून, सेम क्वांटिटी में ही पानी लेना है, मिक्स करना है और एक स्लरी बनानी है और अंडे के बदले आप कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप कर लीजिएगा, फिर सेवैयों से कोटिंग कर लीजिएगा, तो सेम इसी तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बना लिया है जितने भी कबाब है, आप इस स्टेज पर आने के बाद स्टोर करके रख सकते हो आराम से। तो इसे स्टोर करने का तरीका ये है कि कोई भी एयरटाइट कंटेनर मतलब कि डिब्बा आपको लेना है जिसमें आपको स्टोर करके रखना है, ये बीच में पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना है या तो बटर पेपर का इस्तेमाल करना है और फिर डिब्बे को फ्रीजर में रखना है, ताकि पॉलीथीन बैग या बटर पेपर का इस्तेमाल हम इसके लिए करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को चिपके ना। और जब भी आपको फ्राई करना होगा तो आधा घंटा या एक घंटा पहले निकाल लीजिएगा फ्रीज से और फिर इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल जैसे गर्म होता है फ्लेम को लो कर देंगे, स्पेस रखकर ये कबाब हम ऐड कर देंगे, दोनों साइड से हम हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, पेशेंस रख के इसे फ्राई किया जाता है। एक बार हम डालेंगे कबाब को तो थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये सेवैया है इसे बहुत ही ज़्यादा गर्म फ्लेम में नहीं पकाई जाती है, इसके लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब एक साइड से हो जाएगा तो इसे पलट कर दूसरे साइड से भी इसी तरीके से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेवैया मतलब कि कबाब जो है हमारे बनके रेडी हो गई है, सेवैया कबाब भी आप इसे कह सकते हैं, या तो रशियन कबाब भी आप कह सकते हैं, रशियन कटलेट भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले कबाब यहाँ पे बनके रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग भी रमज़ान में अफ्तार के वक्त इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।